तो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी सोनू शर्मा एट सीएसपी। जैसे कि हमने कल के सेशन में क्या किया था, 2018 का डिप्लोमा का केमिस्ट्री क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उसी तरह से आज हम अपने नेक्स्ट सीरीज में लेकर के नेक्स्ट से यानी कि 2019 का क्वेश्चन जो कि वो केमिस्ट्री का होने वाला है। ठीक है, तो आज जल्दी से 2019 का सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करेंगे, है ना। साथ ही साथ उसके ऊपर जो सिमिलर क्वेश्चन उसको भी बिल्डअप करेंगे। चलो तो जल्दी से जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2019 का क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पर, है ना, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी जल्दी हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से, तो कि हम स्टार्ट कर सके आज का सेशन, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम में प्रिपरेशन करने में। ठीक है, आ जाओ। तो देखो आ गए हम लोग किसमें, केमिस्ट्री में आ गए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो कि अगर गैस लिबरेट हो रहा है व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विच H2SO4। अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, जो क्लास था हमारा, कि जब भी मेटल के साथ एसिड या फिर बेस हो तो आपको क्या बनाया देगा, सॉल्ट। साथ साथ क्या बनाया देगा, हाइड्रोजन। अब देखो उसी कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि जिंक है, जिंक क्या है, चलो मेटल है, और H2SO4 क्या है, एसिड है। जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और हम लोग क्या देगा, H2 देगा। क्या देगा हम लोग को, H2। तो देखो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड है ना। तो आपको ये याद कर रहा है, ये जड़ी बूटी है बाबा का, इसको ले लो एकदम याद से बढ़ जाता है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्विक लाइम। अब देखो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या हो, चलो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, यही है ना, CaO। ठीक है, तो ये हो गया आपको, चलो ए ऐसा आंसर हो गया, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे। अब देखो पिछला जो सेशन में जो हम लोग 2018 का डिस्कशन किया था, उसमें सारा क्वेश्चन था, स्लेट लाइम रिएक्ट विथ स्लोली विथ CO2 इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ। अब देखो बेसिकली क्या है, स्लेट लाइन, स्लेट लाइन का फॉर्मूला क्या हुआ, CA, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में ये, फिर ये किस में हो, चलो एक्वस में रहेगा, प्लस फिर आपका क्या है जो CO2 दिया हुआ है ना, CO2। तो CO2 क्या हुआ, चलो गैस है, क्या है, गैस। जैसे ही क्या किया, रिएक्ट करवा इसको, तो हम लोग क्या दिया, चलो CaCO3+H2 दिया। तो ये हम लोगों को दिया, ये हम लोगों को दिया। तो थिन लेयर जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। अब आ जाओ 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो क्या कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स एंड प्रोड्यूस CO2। अब देखो जो हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये है एक्टिव, क्या है, चलो एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अब जब एक्टिव में प्रोसेस है तो क्या चाहिए हम लोग को, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है ना। तो यहां पर क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन दिस सेल एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। ठीक है, CO2 क्या हो गया, रिलीज हो गया, और वाटर हमारे बॉडी में फैलता है। उसका आंसर क्या होगा, चलो आपका जब बात की जाए 54 का, तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 पे आ जाइए, 54 क्या बोल रहा है, 55 सॉरी, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। अब देखो कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन फेरस सल्फेट की बात की जाए, उसका क्रिस्टल होता है ग्रीन कलर, इसका होता है ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या फिर फेरस सल्फाइड हो सकता है, तो फेरस सल्फाइड का क्या होता है, चलो फेरस सल्फाइड का होता है ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मान लो फेरस सल्फाइड है तो क्रिस्टल उसका ग्रीन कलर का है, बट अगर फेरस सल्फाइड हो तो क्या हो जाएगा, चलो उसका ब्राउनिश कलर का देखने को मिलेगा आपको, तो ये आपको ध्यान देना है, चलो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 अब देखो क्या बोल रहा है, व्हेन लीड नाइट्रेट, ठीक है, व्हेन लीड नाइट्रेट
इज हीटेड विद इमिशन, हीटेड विद इमिशन, हीट हो रहा हो, ठीक है। तो उसमें आप लोग क्या देखने को मिल रहा होगा, तो उसमें पहले यहाँ पर ध्यान दो क्या लिखा हुआ है कि लीड, लीड का फॉर्मूला पीबी और नाइट्रेट। तो पीबी के साथ क्या जाओ, चलो इसका देखते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं। तो पी बी, पी बी एन ओ थ्री, ठीक है, टू इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। फिर ये रिएक्ट करा के क्या बनेगा हम लोग का, टू पी बी ओ मिलेगा, प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, प्लस फोर एन ओ टू मिलेगा, फोर एन ओ टू मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है बच्चों, लोग क्या मिल रहा है एमिशन के साथ, एनओ टू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एनओ टू मिल रहा है। तो ये हो गया आपका बनने का तरीका, जब भी लीड नाइट्रेट को हीटेड किया जाएगा एमिशन, तो उसमें हम लोग क्या मिलेगा, नाइट्रोस ऑक्साइड देखने को मिलेगा। या फिर यहाँ पर ऑक्सीजन पूछ सकते हैं आपसे, अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि यहाँ नाइट्रोस ऑक्साइड का ओटो डाल दिया, ठीक है, या फिर टू बी बी ओ डाल दिया, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये जो है इसको आपको प्रॉपरली याद करके जाना है, ठीक है। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 क्या बोल रहा है, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, जब इसको हम लोग करवाए रिएक्ट करवाए, तो BaSO4 प्लस 2NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि Na, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, बैरियम को, ठीक है, बैरियम को डिस्प्लेस कर रहा, ठीक है, और बैरियम बैरियम सल्फेट बना लिया और Na क्या बना लिया, 2NaCl बना के सॉल्ट बना लिया। अब देखो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्लेस हो रहा है जो यहाँ बन रहा है, साथ साथ यहाँ पर भी बन रहा है। तो यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या मिल रहा है, चलो डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन है 58 पर। तो क्वेश्चन 58 क्या बोल रहा है, चलो देखो यहाँ दो कि जो भी चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली फ्लश द बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस टू प्रिवेंट चिप्स गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब देखो बोलते हैं हम लोग की हवा लग गया, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। बेसिकली प्रोबेबली आप लोग बोल सकते हो इनर्ट गैसेस जो कि रिएक्ट ना करते हो, जो कि रिएक्ट करते ना, ठीक है, तो वहां पर इसका यूज किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन 59 पर, तो क्वेश्चन 59 क्या बोल रहा है कि ऑन द पासिंग ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। अब देखो लाइम वाटर का फॉर्मूला CaCO3। अब देखो CaCO3 में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को जब हम डालेंगे तो हमारा क्या बन गया, चलो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ये देखो, है ना। तो ये आपको बड़े से पढ़ के जाना है ये सब सारे क्वेश्चंस को, ताकि आप बड़े से प्रिपेयर कर सको, ठीक है। ये नेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन 60 पर। अब देखो क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन डस नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो मान लो कोई भी ईसीडी अपडेट कोई रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है, या फिर आयोनिक फॉर्म फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब में क्या कर रहा है, सब कर रहा है CaOH होल, ठीक है। बात रही ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H2O6, ठीक है, ये होता है, और हाइड्रोक्लोरिक। तो ये देखो ये टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, और ये भी डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए ये, तो ये टूटेगा नहीं, और ये टूटेगा नहीं तो आपको क्या करेगा, ये तो करेगा ही, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट आपका। अब ये क्वेश्चन नंबर 61 पे क्या पूछ रहा है, पीएच ऑफ ब्लड इज, मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बताया था कि आपको ये सब पूछा जा सकता है टीयर का या फिर रेन वाटर का। तो पीएच क्या होता है बच्चों लोग, इसका पीएच होता है हमारे ब्लड का 7.4 हमारे पीएच ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 62।
आवर स्टमक प्रोड्यूसेस एन एसिड व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन। अब देखो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया ऑलमोस्ट पहले से घुमा करा के। तो देखो 62 का हमारे जो स्टमक में एससीएल हम लोग करता है डाइजेशन मदद करता है, ठीक है डाइजेशन मदद करता है। अब ये क्वेश्चन में 63 पे, क्वेश्चन में 63 क्या बोल रहा है कि स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट काउजिंग बर्निंग पेन। अब देखो बात की जा रही है इसे जो हनी बीज होते हैं ठीक है या फिर एंट्स, ठीक है इसके अंदर क्या होता है फॉर्मिक एसिड, क्या होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब इसका अनदर नेम मेथोनोइक एसिड, ठीक है मेथोनोइक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या मेथोनोइक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड डाल दे, तो यहां से आपको क्वेश्चन बन रहा है प्रॉपर, ठीक है तो उसको ध्यान देके जाना मत चलो आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 64 क्या बोल रहा है कि सोडियम बेकिंग सोडा का अनदर नेम क्या होगा। अब देखो बात की जाए कि इस बेकिंग सोडा का अनदर तो वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है इसका फॉर्मूला मैंने वो बता दिया था, तो आपको इसको मस्ट करके जाना, क्वेश्चन पूछा है रिपीटेड काफी ज्यादा इसको ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 65 पाइए क्या बोल रहा है कि बोरेक्स, ठीक है बोरेक्स जो है किस लिए मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता, ठीक है। अब देखो जो बोरेक्स है वो यूज किया जाता है आपका वॉशिंग सोडा, किसमें यूज किया जाता है चलो वॉशिंग सोडा में यूज किया जाता है उसका, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का अनदर नेम क्या होगा, चलो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं चलो सोडियम कार्बोनेट। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉशिंग सोडा का अनदर नेम, ठीक है साथ ही साथ मान लो इसी क्वेश्चन मान लो इसे क्वेश्चन दे दिया आपको वॉशिंग सोडा का हटा के क्या दे दिया सोडियम कार्बोनेट दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 बात हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं द प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप, ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था CSO4.5H2, तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 67 बात है क्या बोल रहे हैं कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ये मेटल होता है कि डक्टिलिटी, क्या होता है चलो डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये आपको याद करके जाना है कि जो एबिलिटी है मेटल से कोई भी शीट पतला करने से, मतलब जो गोल्ड होता है गोल्ड को बहुत ज्यादा पतला किया जाता है तो वहां क्या होता है डक्टिलिटी शो करता है, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन 68 कि इज मोस्ट मेलेबल मेटल, मोस्ट मेलेबल सबसे लचीला, अब सबसे ज्यादा लचीला बना उसमें देखेगा गोल्ड में देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा गोल्ड में, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पाई है इज नॉन मेटल बट इज लशरस, ठीक है लशरस का मतलब क्या हुआ चमकदार, क्या हुआ चमकदार। तो अगर मान लीजिए कार्बन चमकेगा नहीं, ना ही ब्रोमीन क्लोरीन चमकता है, ना ही ब्रोमीन चमकता क्या चलो आयोडीन, आयोडीन क्या होता है क्रिस्टलाइज बिहेवियर शो करता है चमकता है। शायद अगर बात की जाए यहाँ पर डायमंड, तो ये डायमंड भी हो सकता है अनदर में, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि नॉन मेटल हो बट लशरस हो, तो आयोडीन भी है और साथ क्या चलो डायमंड भी है, तो आपको उसको ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन नंबर 70 का, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है कि डस नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, अब इसमें से कौन सा जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बाकी बात की जाए सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम तो ये सब क्या है हॉट वाटर, क्या है चलो हॉट वाटर है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर मान लो क्वेश्चन की जगह कोल्ड की जगह हॉट कर दिया तो आपको यह ध्यान देना है कि हाँ हॉट मेरा आंसर होना चाहिए, तो आपको यहाँ ध्यान देना ठीक है इस चीज पे प्रॉपरली। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, जो पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पहला क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीज है हमारा, ठीक है मैग्नीज क्या है मेटल है और वो क्या कर रहा है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो हम जान रहे हैं कि मेटल के साथ जब भी कोई एसिड या फिर बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, तो ये H2 गैस बन रहा है पहला क्वेश्चन में पूरा बेस्ड है ना। और ये क्वेश्चन में 72 पे तो क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो ये मेटल नॉन मेटल का है क्वेश्चन है ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग को पहले भी लगा था कि इसको याद कर लेना आप लोग, अगर आप लोग याद नहीं किए हो तो आप लोग इसको ध्यान दे दो कैसे है रिएक्टिविटी सीरीज आपका। पहला है पोटेशियम,
ठीक है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ याद करने का, तो इसे आप लोग याद करके जा सकते हो, ठीक है। एल्युमिनियम ZN, ठीक है, FeSn, ठीक है, Pb, फिर आ गया आपका H, फिर Cu, फिर Hg, फिर आ गया आपका Ag और फिर Ab। तो आपको याद करने का तरीका, शॉर्टेस्ट तरीका आपको ध्यान दो यहाँ पर, काशीनाथ का माली आलू जरा सा फीके पकाता है, कौन है आ गया। तो देखो अब बात कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज पर, सबसे ऊपर देखो क्या बोल रहा है, अल्मोनियम, तो अल्मोनियम कहाँ है, चलो यहाँ पर है ना, और मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ पर। सबसे पहले क्या करो, चलो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसमें किसमें, बी और सी में क्या मैग्नीशियम है, उसके बाद अल्मोनियम है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, चलो ZN या फी, तो क्या होगा, चलो ZN दिख रहा है पहले आप लोग को, यहाँ पर ZN होना चाहिए और फिर Fe, तो इसका आंसर क्या होगा, चलो B इसका आंसर हुआ। तो आपको इसको याद करके जाना है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, 73 क्वेश्चन नंबर, सिनेबर। अब देखो सिनेबर क्या है, एक तरह का ओर होता है जो कि किसको पाया जाता है, मरकरी के लिए, किसके लिए पाया जाता है, मरकरी के लिए। तो जो ओर है इसको क्या बोलते हैं, HGS, क्या बोलते हैं, चलो HGS। ये हो गया आपका आंसर का 73 का, सिने बार का, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे, जो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि हीटिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, चलो हीटिंग, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो यहाँ पर देखा जाता है रोस्टिंग, क्या देखा जाता है, चलो रोस्टिंग से क्या होता है कि हीटिंग प्रेजेंस किया जाता है इन एक्सेस एयर, तब जाकर क्या होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है आपका, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 75 क्या हो रहा है, Fe2O3.2LAl, जब इसको रिएक्ट करवाए तो क्या लग रहा है, 2Fe+Al2O3। अब देखो यहाँ पर क्या था कि Fe और एयर, देखो यहाँ पर वही चीज दिया है, Fe हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, और एल्यूमिनियम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो Fe को हटा दिया और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के साथ आ गया और Fe को साइड कर दिया, तो यहाँ पर लोग देखा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या चलो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कैसे रिएक्शन, चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिला हम लोग यहाँ पर, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 76 पर, तो 76 क्या बोल रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोटिंग ऑफ, इसमें क्या होता है, चलो सिल्वर सल्फाइड का, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड AgS, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का कोटिंग को फॉर्म करता है, ठीक है, इसमें आपका सिल्वर आर्टिकल है ना, तो इसमें करता। अब ये क्वेश्चन नंबर 77 पे क्या बोल रहा है कि जो ब्रॉन्ज है वो अलॉय है, इसका अलॉय, चलो ये होता है अलॉय आपका CU का, होता ही होता है, कल्चर में क्या होता है, चलो टिन होता है, क्या होता है, चलो टिन होता है, ठीक है, क्या होता है, टिन। तो ये हो गया आपका सी और टिन आपका ब्रॉन्ज, ये इससे मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 78 पे, अब देखो क्या बोल रहा है, इज एन अलॉय यूज फॉर द वेल्डिंग पर्पसेस, ठीक है, ऑफ वायर्स। अब देखो उसमें क्या यूज करता है, सोल्डर, ठीक है, पिछले क्लास में उसके बारे में बताया गया था, सोल्डर के बारे में किससे बनता है किससे नहीं बनता है, तो आपको ये मस्ट होना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है कि इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। अब देखो मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी में क्या होता है, मीथेन, क्या होता है, चलो मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है CH4, तो ये आपको ध्यान देना। और ये क्वेश्चन नंबर 80 पे, फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूज एज ए कैटलिस्ट। अब देखो पीटी भी कैटलिस्ट है, निकल भी, ठीक है, अब प्लैटिनम, लेकिन अगर बात की जाए कि ज्यादा इधर यूज होता है तो यहाँ पर होता है निकल, इसका यूज होता है, चलो निकल का यूज होता है। अगर मान लो क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दे, ये इजी हटा के ऑल ऑफ दिस कर दे, ठीक है, तब आपको मार के आना है कि सारा, नहीं तो अगर आपको ये तीन ऑप्शन दे रहा हो और कुछ और ऑप्शन, आपको किसको मारना है, निकल को मारना है, क्योंकि निकल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 81 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है
कि डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल गिव्स इथेन, इथेनॉइक एसिड, इथीन और इथर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल किसमें चेंज कर दिया जाएगा, चलो आपका इसमें चेंज होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो मान लो एक फॉर्मूला है इथेनॉल CH3, ठीक है, फिर आपका सी और OH, ठीक है। हम देखो अगर इसको हमको चेंज करना हो तो दो चीजें ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ये दो चीजें ले सकते हैं। अब देखो कैसे हुआ, ये फॉर्मूला बना CH3 और CH2, ये OH, यहाँ से काट पड़ा दिया उसको, काट पड़ा मतलब क्या हुआ कि CH3 और CH2 बचा। अब देखो यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ इसको ले गए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि ये एक हाइड्रोजन लूज किया और क्या बनाया यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के CH2 CH2 साथ बना। अगर अलग बॉन्ड किया जाए तो उसको डबल बॉन्ड C, 1H, 1H, 1H और 1H, इस तरह से का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं मिथ और दो क्या बोलते हैं इथ, यहाँ पर क्या बन रहा है इथिन बनता रहा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 82 पे, द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, तो विनेगर कितना परसेंट होता है पूछा जा रहा है। तो अगर विनेगर पूछा जाए तो विनेगर होता है आपका 5-8%, कितना होता है चलो 5-8% विनेगर होता है किसी भी, मतलब विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉइक एसिड, अब देखो एथेनॉइक एसिड रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है मेल्ट होता है, ठीक है। अगर बात की जाए इसका टेम्परेचर का, ठीक है, तो 290 केल्विन में हो जाता है, 290 केल्विन में हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट कितना डिग्री में 270 290 माइनस 273, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया, तो ऑलमोस्ट 70 डिग्री सेल्सियस में आपका ये रूम टेम्परेचर में मेल्ट होता है एथेनॉइक एसिड, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 84, अब देखो 84 क्या है, ईस्टर रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस गिव अल्कोहल टू कार्बोनिक एसिड एसिड। पिछला क्वेश्चन में पिछले जो सेशन था हमारा 2018 का, उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ, तो क्या हो जो सेफोनिफिकेशन होता है इसका आंसर, ठीक है, इसको ध्यान देना आपको बड़े से प्रॉपरली, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85, तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, तो जो प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट का, तो वो था एटॉमिक नंबर, इसमें था चलो एटॉमिक नंबर पे, तो 85 का आंसर क्या होगा चलो बी आपका इसका आंसर है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 86, तो पूछा जा रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज पीरियड, अगर बात की जाए पीरियड की, ठीक है, तो वो होता है 7 पीरियड, कितना होता है चलो 7 पीरियड होता, लेकिन अगर बात की जाए ग्रुप की, आपसे ग्रुप पूछ लें तो ग्रुप कितना होता है 18 ग्रुप होता है, कितना बचा होता है 18 ग्रुप होता है, और पीरियड होगा तो कितना 7, इसका आंसर क्या चलो सी एफ का इसका आंसर, ठीक है। 7 मेटलॉइड्स क्या होता है, इसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज होते हैं ऑलमोस्ट, वैसे क्या बोलते हैं मेटलॉइड बोलते हैं, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, फिर आपका बोरोन हो गया, ठीक है, ये सब क्या बोल चला आपका मेटलॉइड्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 88 क्या बोल रहा है, एम सेल ऑफ क्लोरीन कंटेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो बीच में न्यूक्लियस, फिर आपका सेल, एक सेल, दो सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, ठीक है। देखो तो पहला है ये है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है। अब देखो जो के वाला सेल है इसका कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्लोरीन कितना होता है 17 होता है, ठीक है, तो 2, 8 और लास्ट में कितना होता है 7, तो जो के वाले सेल मिलेगा 2 चला गया, और एल वाले में 8, ऑटोमेटिकली एम में कितना हो चलो 7, तो वो 7 गया आंसर, दिया ना, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 भाई, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोलता है कि जो मेटल ऑक्साइड है इसे, ठीक है, अब देखो मेटल ऑक्साइड में जब भी इसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या देगा, सॉल्ट देगा, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है कि हाइड्रोनियम आयन इस, अब जब हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं H3O+ प्लस को, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, कुछ ट्राइगोनल शेप में रहेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोनियम, इसको बोलते हैं आंसर सी हो गया इसका आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन 91 पर क्या बोल रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के आंसर बच्चों का आपका 10.5, तो पीएच वैल्यू क्या होता है बच्चों, 10.5 पीएच वैल्यू होता है, तो इसको आपको ध्यान देना। और ये क्वेश्चन 92 पर, क्वेश्चन 92 क्या बोलता है बच्चों, द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ द थिक एयर। अब देखो जो वेनस, ठीक है, वेनस उतरा है उसके ऊपर में क्या है कि थिक लेयर है, ठीक है। अब जो थिक लेयर है उसमें क्या होता है, बहुत सारे गैसेस जो भी ट्रैप करता है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, तो जो ग्रीन हाउस कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा H2SO4, इस गैस के कारण क्या होता है वो येलोइश क्लाउड दिखता है हमको वहाँ पर, ठीक है। इस और ये क्वेश्चन 93 पे बहुत सा बेसिक का क्वेश्चन है, इज इट प्रेजेंट टोमेटोलिक एसिड, है ना, सिट्रिक लेमन से पाया जाता है, ठीक है, टार्टरिक टैमराइंड में और मेथोनिक, फिर आपका ऐसे एंट हो गया, ठीक है, बीटल्स हो गया, उसमें आपको मिलेगा मेथोनिक एसिड, है ना, इसका अनदर नेम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, तो इसको आपको यह ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन 94, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्राइट NaCl, जो पानी बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्राइट, क्या बोलते हैं बच्चों, बस उसको क्या किए पानी डाल दी और उससे सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं ब्राइट बोल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 95 पे, 95 क्या बोल रहा है चलो, कि ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये क्वेश्चन 96 पे, 96 क्या बोल रहा है कि रीक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, अब देखो मान लो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्या रिस्ट्रिक्शन की, तो क्या देता हम लोग को वॉशिंग सोडा देता, क्या देता हम लोग वॉशिंग सोडा देता, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब आइए क्वेश्चन 97, POP, है ना, उसी के बाद क्या प्लास्टिक चूना, ठीक है, तो CaSO4.5H2O, ये हो गया आपका इसका आंसर। उसमें 98 आइए, 98 क्या बोल रहा है कि मेटल एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, अब देखो रूम टेम्परेचर कौन कौन सा है, जैसे मान लो मर्करी, ठीक है, सल्फर गैली, ये दोनों ही करता है, ठीक है। क्वेश्चन 99 पर ये क्या बोल रहा है कि इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज अ हार्डेस्ट मेटल, अब देखो डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी, लेकिन डायमंड क्या ज्यादा हार्ड है, ठीक है, तो डायमंड का क्या बोलते हैं आपका कार्बन का ये डायमंड सबसे हार्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें ये हो गया आपका इसका आंसर। अब आइए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है कि वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट करेगा, प्लस उसमें आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेप्स का, ठीक है, तो ये सब देख के वो पता चल सकता है कि क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है कि नहीं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ इसका दिया हुआ Al2O3, तो ये है आपका इसका आंसर डी, इसको आपको याद करके जाना है, मस्ट, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, सेशन किसके बाद कौन सा सेशन 2019 का केमिस्ट्री क्वेश्चन कंप्लीट, तो आपको अब ध्यान देना है कि मैं किस तरह से कंप्लीट करूं उसको, सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूं, थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही देगा आपको, बिना कॉन्सेप्ट को तो काम होने वाला है नहीं। अगर आप पिछले साल 2018 का क्वेश्चन मिला है, 2019 तो 10 क्वेश्चन आए, 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए तब जाके आपसे क्लियर कर पाओ, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते रहिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सेशन में, जो कि वो 2021 का क्वेश्चन, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।